हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। सरगम म्यूजिक जोन चैनल में दोस्तों फिर से स्वागत अभिनंदन। दोस्तों आशा करता हूँ परमात्मा का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बना रहे। तो फिर से एक नए लेसन के साथ नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। तो आज का ये जो लेसन है दोस्तों, आज हम हारमोनियम पर बताने वाले हैं राग शिवरंजनी का लहरा। ठीक है, तो आज हम हारमोनियम पर आपको राग शिवरंजनी का लहरा बताएंगे, तीन ताल में 16 मात्रा का लहरा। तो दोस्तों मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि गुरुजी राग शिवरंजनी का लहरा बताने की कृपा करें। तो सबसे पहले तो वो जो सब्सक्राइबर भाई हैं उनका नाम है युवराज साहू। युवराज साहू भाई हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है राग शिवरंजनी की लहरे की। तो सबसे पहले तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे द्वारा आप लोग संगीत के बारे में कुछ सीख रहे हैं। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर जुड़े हैं उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, और जो जुड़ रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करूँगा। ठीक है, तो यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, चैनल पर जुड़े रहिएगा और जो भी मेरे लेसन्स हैं देखते रहिएगा, कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा संगीत के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो उनकी रिक्वेस्ट को हम आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो युवराज साहू भाई ने जो है राग शिवरंजनी के लहरे की बात की है, तो आज हम उसी को आपको बताने वाले हैं। और एक और बात, एक और मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उन्होंने पिछले कुछ दो तीन दिन पहले मुझसे भोजपुरी सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी। वो भोजपुरी सॉन्ग है जो है धर्मवा अलग अलगा अलगा बा, इस तरह का कुछ सॉन्ग है। तो उनकी रिक्वेस्ट भी मैं पूरी करूंगा अगले लेसन में। ठीक है, तो आज हम इस भाई की जो है रिक्वेस्ट को पूरी करेंगे राग शिवरंजनी का लहरा। तो राग शिवरंजनी की हम बात करें तो दोस्तों राग शिवरंजनी थाट काफी का राग है। ठीक है, राग शिवरंजनी क्या है? थाट काफी का राग है। और दोस्तों इसकी जो जाति है वो है औडव औडव। वो इसलिए इसके आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जाति औडव औडव कहलाती है। ठीक है, और इसमें आरोह औरोह दोनों में मा और नी वर्जित होते हैं, मा और नी का प्रयोग नहीं किया जाता। और इस राग के अंदर गा कोमल, जैसा कि राग भूपाली के अंदर गा शुद्ध का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही इस राग शिवरंजनी के अंदर गा कोमल स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के लेसन को। एक बार इसका राग शिवरंजनी का आरो औरो देखते हैं, मध्य सप्तक की पहली काली सी शार्प से। देखिएगा, सारे गा राग शिवरंजनी का। ठीक है दोस्तों, थाट काफी का राग है। इसका वादी स्वर पा होता है और संवादी स्वर सा होता है। ठीक है, जो कि राग शिवरंजनी का ऑलरेडी ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है। जो भी सब्सक्राइबर हैं जो सीख रहे हैं उन सभी के लिए ये लेसन है। ऐसा नहीं है कि भाई की रिक्वेस्ट की है की बात है, ये सभी के लिए जो है रिक्वेस्ट है और सभी के लिए लेसन है। आप लोग जो है अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेसन। तो लहरा जो राग शिवरंजनी का ये लहरा है 16 मात्रा का लहरा है और तीन ताल में हम इसको बताएंगे और आप लोग तीन ताल में इसका अभ्यास करेंगे और इसका टेम्पो रखेंगे 60 BPM पर। ठीक है, तो इसको मैं प्ले करके पहले बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद इसके नोटेशंस को मैं राइटिंग में बताऊंगा, उसके बाद फिर से प्ले करके हारमोनियम पर बताऊंगा। ठीक है, तो लहरे की हम बात करें तो दोस्तों सुन लीजिएगा थोड़ा सा लहरे के बारे में। लहरा क्या होता है? जैसा कि हम कहीं पर देखते हैं कि प्रोग्राम होता है तो उससे पहले कुछ धुनें या फिर कुछ ट्यूनिंग चलती है, तो उससे पहले जो ट्यूनिंग वगैरह बजती है तबले के अंदर, फिर हारमोनियम
पियानो सुनाई देता है तो वो लहरा होता है, वो जो अक्सर प्ले किया जाता है वो लहरा, यानी कि शुरुआत लहरे से की जाती है। जैसे कोई सिंगर स्टेज पर आ रहा है तो उससे पहले लहरा प्ले किया जाता है। और लहरे का और एक बहुत ही अच्छा मतलब है, लहरे का मतलब मजा, आनंद, ठीक है, लहराना, जिससे सुनकर आनंदित हम हो जाते हैं या फिर हमें मजा आने लगता है, ये लहरे का मतलब है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के लेसन को। तो देखिए लहरा किस प्रकार है, थोड़ा मैं प्ले करके बता देता हूं आपको, उसके बाद जो है राइटिंग में बताऊंगा, देखिएगा। ठीक है, इस प्रकार का ये लहरा है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको इसको पहले राइटिंग में बताता हूं, उसके बाद जो है फिर एक एक की वाइज बताऊंगा, ठीक है। देखिएगा, तो हम लिखते हैं राग शिवरंजनी, राग शिवरंजनी, राग शिवरंजनी लहरा, ठीक है। लहरा तीन ताल में है, तीन ताल, और ये जो लहरा है 16 मात्रा का लहरा है, ठीक है। तो इसको हम करेंगे 60 BPM टेम्पो पर, ठीक है, 60 BPM टेम्पो पर, ठीक है। तो दोस्तों इसके नोटेशंस देखते हैं, देखिएगा 16 मात्रा का ये लहरा है तो क्या हुआ है इसमें, देखिएगा। सबसे पहले सा से, यानी कि सी शार्प, हमारा जो सा है हम सी शार्प से शुरू करते हैं, तो वहाँ से हमने इसको किया है। तो पहला जो स्वर नोटेशन है क्या है, सा रे ग, ठीक है, उसके बाद फिर प ग, ठीक है, प ग। तो ये जो प ग है वो एक मात्रा पर है, यानी कि इसे एक मात्रा कहेंगे, ठीक है। ये इसके नीचे अंडरलाइन करने का मतलब ये है कि ये एक मात्रा पर है, सा रे ग, ये सिंगल सिंगल स्वर हैं, यानी कि एक एक मात्रा है। और पा गा जो है जिसके नीचे हमने अंडरलाइन की है वो एक मात्रा पर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्वर क्या है, देखिएगा अगले स्वर हैं, देखिए धा सा, सा ये तार सप्तक का सा है, ठीक है, सा, फिर रे सा, ये भी तार सप्तक के हैं, और ये रे, ठीक है, ये सारे स्वर तार सप्तक के हैं। अब ये जो रे सा है इसके नीचे हमने अंडरलाइन की है, यानी कि ये एक मात्रा पर है, ठीक है, दोनों एक साथ, यानी कि इनको जो है इस लहरे के अंदर फास्ट प्ले किया जाएगा, वो मैं अभी आपको हारमोनियम पर बताऊंगा किस प्रकार करना है, ठीक है। ये रेसा एक मात्रा पर है, ठीक है। अब अगला जो आगे बढ़ते हैं, अब क्या है अगला स्वर, ग, ठीक है, रे सा, ठीक है, फिर धा पा, ठीक है। तो ये जो धापा है ये एक मात्रा पर है, ठीक है, ये जो धापा है वो एक मात्रा पर है, ठीक है। और ये जो गा रे सा, ये भी जो है तार सप्तक के हैं, यानी कि गा रे सा ये तार सप्तक के हैं, ठीक है। और ये धापा, ये एक एक मात्रा पर हैं, और ये एक मात्रा पर धापा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और मात्राएं हमारी रह रही हैं, चार मात्राएं और रह रही हैं। तो धा, फिर हमारा पा गा, ठीक है, धा पा गा, फिर रे, फिर सा, और ये धा, ठीक है। तो ये सिंगल मात्रा, ये जो पागा है देखने पर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा एक साथ मैंने लिखा हुआ है, तो ये पागा एक मात्रा पर है, और फिर रे सिंगल मात्रा, और ये सा धा एक मात्रा पर है, ठीक है। ये धा जो है ये मंद्र सप्तक का धा है, ठीक है, अभी आपको मैं बताऊंगा मंद्र सप्तक का धा, ठीक है, ये मंद्र सप्तक का धा है, तो ये सा धा एक मात्रा पर है। तो अब हमारी टोटल कितनी मात्राएं होगी, देखिएगा, तो टोटल मात्राएं हमारी होगी पहली, दूसरी, तीसरी, और ये चौथी, यानी कि पागा एक मात्रा पर, पांचवीं, छठवीं, ये सातवीं, और ये आठवीं, ठीक है, रेसा एक मात्रा पर, ये आठवीं, ठीक है, ये नौवीं, ये दसवीं, ग्यारहवीं, और ये बारहवीं, ठीक है, तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, और ये सोलहवीं,
ठीक है, तो ये टोटल कितनी मात्राएं आएगी, 16 मात्रा में, ठीक है। ठीक है, तो अभ्यास करेंगे, ये सा सम होता है, 9 पर खाली होता है और 13 पर ताली होती है, ठीक है। तो आप लोग जो है इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लें या फिर अपनी बुक पर नोट कर लें, ठीक है। राग स्वर जनी लहरा 3 ताल में 16 मात्रा का 60 BPM पर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो ये इसका नोटेशन है, आप लोग जो है इसको अपनी बुक पर नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको हारमोनियम पर बताते हैं, सेम यही पैटर्न फॉलो करेंगे, देखिएगा। चलिए हारमोनियम पर बताते हैं, तो सारे गा पा धा सा साधा पा गा रे सा, ठीक है। राग शिवरंजनी के स्वर हैं। तो पहले क्या हुआ है, देखिए पहले जो स्वर हमने क्या बताया, सा रे गा, ठीक है, ये देखिए सा रे गा, सिंगल सिंगल स्वर, ठीक है। सा रे गा, फिर पा गा, एक साथ पा गा, यानी कि एक मात्रा पर है ये पा गा, देखिए सा रे गा पा गा, ठीक है। तो ये हमारी 4 मात्राएं होगी, कितनी, 4, 1 2 3, देखिए 1 2 3, 4 4 4, ठीक है। इस प्रकार इसको करना है, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, पागा एक मात्रा पर। अब अगली मात्रा है, देखिए धासा, देखिए धासा धासा, सिंगल सिंगल मात्रा, फिर रेसा, देखिए धासा रेसा, ठीक है, धासा एक एक मात्रा, फिर रेसा एक मात्रा पर, रेसा यानी कि फास्ट होगा ये, देखिए धासा रेसा रे, फिर रे रे सिंगल मात्रा पर, ठीक है। तो कैसे, धासा रेसा रे, ठीक है, इस प्रकार का इसका पैटर्न है। अब अगली मात्रा है, देखिए 8 मात्राएं हमारी कंप्लीट होगी, धासा, ठीक है, धासा फिर रेसा एक साथ फिर रे, ठीक है, यानी कि 14 14, ओ सॉरी, मतलब जो है ये हमारी होगी पांचवी छठी, ठीक है, पांचवी छठी फिर सातवीं और ये आठवीं, ठीक है, यानी कि 5 6 7 8, ये हो गई 8 मात्राएं। अब अगली मात्रा क्या है, देखिएगा गा रे सा, देख गा रे सा धापा, देखिए गा रे सा धापा, देखिए गा रे सा सिंगल सिंगल मात्रा, गा रे सा धापा धापा एक साथ, यानी कि एक मात्रा पर, यानी कि गा रे सा, तो ये 9 10 11, गा रे सा 9 10 11, ठीक है, गा रे सा धापा धापा एक मात्रा पर, यानी कि 12 12 9 10 11 12, ठीक है, योगी 12 मात्रा। अब अगली मात्रा क्या है, 13वीं मात्रा, देखिएगा धा, देखिए धा एक मात्रा पर है, धा पग, देखिए धा पग, धा सिंगल मात्रा पर, पग एक साथ, पागा एक साथ, यानी कि एक मात्रा, पागा, देखिए 13 14 13 14, ठीक है, 13 14, फिर रे एक मात्रा, 15 15 16 16, ठीक है, साधा 16, ठीक है, साधा एक मात्रा पर 16, ठीक है। तो कैसे होगा, देखिए 1 2 3 4, देखिए सा रे गा पा गा, 1 2 3 4, 5 6, देख 5 6 7 8, देखिए 5 6 7 8 7 8, यानी कि जो 7वीं मात्रा है वो एक मात्रा पर है, 7 रे सा 8 रे, देखिए रे सा रे, फिर गा रे सा, ठीक है, गा रे सा सिंगल सिंगल मात्रा,
गारे सा धापा, गारे सा धापा, यानी कि क्या है, 9 10 11 12, 9 10 11 12, ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से 9 10 11 12। फिर 13वीं मात्रा क्या है, धा, ठीक है, 13 14 13 14, ठीक है, 13 14। 14वीं नंबर की मात्रा एक पर, यानी कि पाग पाग धा पाग, रे सिंगल मात्रा पर, ठीक है, रे, फिर साधा एक मात्रा पर, रे, ये देखिए रे साधा, ठीक है। तो इस प्रकार का इसका जो है पैटर्न है, ठीक है, आशा है समझ में आया होगा। देखिए सारे गा पागा, देखिए सारे गा पागा एक मात्रा पर है, फिर धासा, देखिए धासा रे सारे गारे सा धापा, गारे सा धापा, ठीक है, गारे सा धापा, धापा गा धापा गा, ठीक है, धापा गा रे सा धा, ठीक है, धापा गा रे सा धा, इस प्रकार से, ठीक है। देखिए सारे गा, देखिए सारे गा पागा, ठीक है, सारे गा पागा, धा सा रे, देख धा सा रे, गा रे सा धा पा, धा पा गा, ठीक है, धा पा गा रे सा धा, इस प्रकार से जो है ये लहरा चलेगा। पहले आप स्लोली स्लोली अभ्यास करें, उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाएं, ठीक है। तो इसमें जो है कण स्वर भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो कण स्वर लगाने से जो है इसकी सुंदरता बढ़ेगी, ठीक है। पहले आप सिंगल सिंगल स्वरों में अभ्यास करें, उसके बाद कण स्वर लगाना शुरू करें, ठीक है। देखिए ठीक है, इस प्रकार से जो है अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा प्रयास कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अभ्यास करें इस लहरे का, और अगली वीडियो आने तक जहाँ कहीं भी हो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।